डेंडेलाइट इजिप्ट में एक डेंडेलाइट नाम की एक जगह है जहाँ पर मंदिर है, यानी एक टेंपल जिसका नाम डेंडेलाइट कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेंपल को अपने एक भगवान के लिए बनवाया था जिनका नाम हैथोर, और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को यहाँ पर आपको एंट्रेंस तो देख सकते हैं। तो इस मंदिर के आधे पार्ट पहले सैंड से ढके हुए थे, पर 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए, जो वो कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया। तब साइंटिस्ट को ये देखने मिला कि एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर में के अंदर ऐसा कुछ कला देखने को मिला, ऐसा डेंडेलाइट, इसे डेंडेलाइट कहते हैं। दीवार पर ये जो ड्राइंग जो इजिप्शियंस ने बनाई है, ये सवाल खड़ा करता है कि इजिप्शियंस लोग भला कितने एडवांस थे। इस इमेज को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखाई देगा। ये मत भूलिए कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर टूरिस्ट ये कहते हैं कि इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी एग्जिस्ट करता है, और 4000 साल पहले करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्टीरियस पार्क है, वहां पर बिल्कुल इसी चीज का मॉडल रखा गया है, जो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात सही है तो वो कैसे दिखती होगी। 4000 साल पहले बल्ब जाते होंगे तो आपने वाटरफॉल तो देखा ही होगा, वो खूबसूरत और जहाँ पर सुंदर तरीके से पानी ऊपर से नीचे गिरता है। पर पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर झरना नीचे के बदले ऊपर की तरफ जाता है। ये उन नज़ारों में से है जो बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल सामान्य है, इन जगहों का रहस्य आज भी रहस्य ही है जिसका खुलासा अभी तक कोई नहीं कर पाया। बस ऑन JNF आपके कीबोर्ड पर